हे गाइस, माय नेम इज आदित्य। आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। वेल, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज कमांड पैटर्न। जैसा कि आपको कमांड जो वर्ड है उससे समझ में आता है कि जब भी आप किसी को कुछ कमांड देते हैं, फिर चाहे वो आप मशीन को दें या पर्सन को दें, वो एग्जीक्यूट हो जाती है। करेक्ट, उसको हम बोलते हैं कमांड। तो जब भी हम कमांड पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें तीन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। एक्चुअली इस पूरी प्रोसेस में जो तीन चीज़ें होती हैं वो इम्पॉर्टेंट है। पहला है इन्वोकर, इस कमांड को इन्वोक कौन कर रहा है। सेकंड पॉइंट आता है वो ये कि कोई कंट्रोलर के थ्रू ये जो कमांड को एग्जीक्यूट किया जा रहा है वो कौन है। और थर्ड पर्सन आता है, या फिर कहें मशीन आती है, जो उस कमांड को रियलिटी में हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की पहले कोशिश करता हूँ कि कमांड एग्जैक्टली है क्या। कमांड पैटर्न के बारे में अगर हमें समझना है तो पहले हमें एक एग्जांपल को समझना होगा, रियल वर्ल्ड एग्जांपल को। देखिए, सपोज कीजिए मैं किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ, ठीक है, वहाँ पे अपनी टेबल पे जाके बैठता हूँ और वेटर को बुलाता हूँ कि मुझे ये खाना है, और मैं उसको ऑर्डर देता हूँ। यूजली वेटर आता है और स्लिप पर जो जो मैंने ऑर्डर किया वो लिख लेता है, और उस स्लिप को ले जाकर किचन होती है उनकी जहाँ पे खाना बनता है, वहाँ पे जाके शेफ को दे देता है। शेफ वो स्लिप को पढ़ता है, उस ऑर्डर को प्रिपेयर करता है और वापस से विंडो पे रख देता है, वेटर मुझे लाके दे देता है। ठीक है, अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर इन्वोकर, कंट्रोलर और एग्जीक्यूटर कौन है। यहाँ पर मैं एक इन्वोकर हूँ और मैंने जो वेटर आया, वेटर ने क्या किया, वेटर ने सिर्फ मेरा ऑर्डर लिया और उसको जो भी मैंने मांगा था वो उसने लिया और जाके उस किचन में जाके दे दिया। तो यहाँ पे कंट्रोलर का काम किसने किया, हम मेरी कमांड को यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, वो काम था वेटर का। अब इसी चीज़ में जो शेफ था किचन में वो इस कमांड को एग्जीक्यूट करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ को समझिए, मैं इन्वोकर हूँ, मुझे नहीं पता कि जो मैंने ऑर्डर किया है, जो मेरे लिए आने वाला है, वो कैसे प्रिपेयर होता है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मुझे उसकी कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया, वेटर के थ्रू अपनी कमांड को एग्जीक्यूट करा लिया। करेक्ट, हम एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। कोई एक रिमोट कंट्रोलर है, या टीवी का मान लीजिए, ट्यूबलाइट का मान लीजिए, फैन का मान लीजिए, कोई भी एक रिमोट कंट्रोलर है, उस पर कुछ बटन्स होते हैं, 1, 2, 3, ऑन ऑफ, इस तरह के बटन्स होते हैं। जब भी आप ऑन बटन को दबाते हैं तो जैसे ही आपने ऑन बटन दबाया तो यहाँ पर इन्वोकर कौन हुए, आप, है ना। और जो जिस पे दबाया है दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोलर, क्योंकि वो रिमोट कंट्रोलर है, उसका काम क्या है, आपकी कमांड को ले जाकर उसको दे देना जो इसको एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ ट्यूबलाइट का, तो ट्यूबलाइट को पता है ट्यूबलाइट को ऑन कैसे करना है, ऑफ कैसे करना है। ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं एक इन्वोकर हूँ, मुझे नहीं पता ट्यूबलाइट को ऑन कैसे करना है, ऑफ कैसे करना है। कंट्रोलर को नहीं पता ट्यूबलाइट को ऑन कैसे करना है, ऑफ कैसे करना है। ये सिर्फ किसको पता है, ट्यूबलाइट को ऑन ऑफ कैसे होना है। लेकिन इन्वोकर को ये पता है कि अगर मैं ये प्रेस बटन प्रेस करूँगा तो ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी और मेरी ट्यूबलाइट ऑन या फिर ऑफ हो जाएगी। जब भी आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम मिलती है जहाँ पर आपको कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट करवानी है और उन कमांड्स का पता नहीं है, वो फ्यूचर में कितनी बढ़ने वाली हैं, क्या होने वाला है, एक्सटेंशन के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा आप कमांड पैटर्न का यूज़ करें। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ, उसमें मैंने एक ऑलरेडी क्लास डायग्राम बनाया हुआ है विद सोर्स कोड, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा कि हमें कमांड पैटर्न को एक्चुअली डिज़ाइन करना कैसे है। देखिए, यहाँ पर ये जो कमांड पैटर्न है, सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया था कि हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, तीन चीज़ें, जिसमें पहली चीज़ है हमारी कमांड जो हमें देनी है वो कमांड क्या है। तो पहले मैंने यहाँ पे आप देखोगे एक इंटरफेस बनाया हुआ है ना, ये इंटरफेस है कमांड। ठीक है, इसमें एक सिंपल सा मेथड है एग्जीक्यूट करके। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया हुआ है ट्यूबलाइट का। अगर आप यहाँ नीचे देखोगे तो यहाँ पे एक मैंने क्लास बनाई है, कंक्रीट क्लास, ट्यूबलाइट ऑन कमांड इम्प्लीमेंट्स कमांड। ओके, अब इसमें देखिए यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर है ये वाला ट्यूबलाइट ऑन कमांड का, जिसमें मैंने क्या किया हुआ है, एक रेफरेंस पास किया हुआ है ट्यूबलाइट क्लास का, ये रहा। अब ट्यूबलाइट क्लास क्या है वो मैं आपको भी बताता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने इसको कमांड को इम्प्लीमेंट किया है तो मुझे एक मेथड को ओवरराइड करना पड़ा, विच इज़ एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट के थ्रू मैंने जो ट्यूबलाइट थी उसका स्विच ऑन मेथड को कॉल कर दिया है, क्योंकि ये कमांड क्या है, ट्यूबलाइट ऑन कमांड। ठीक है, अब समझते हैं ये ट्यूबलाइट क्या है, ट्यूबलाइट क्लास जो है वो क्या है। ये देखिए, ट्यूबलाइट एक्चुअली
वो है जो इस कमांड को एग्जीक्यूट कैसे करना है वो जानती है, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूशन करने वाला पार्ट है। तो यहाँ पे मैंने क्या बनाई, क्लास बनाई है ट्यूबलाइट, जिसके पास सिर्फ दो मेथड ही है, विच इज स्विच ऑन, तो इसमें लिखा हुआ है ट्यूबलाइट ऑन, और मैंने एक मेथड बनाया है स्विच ऑफ, ट्यूबलाइट ऑफ, सिर्फ ये प्रिंट करके देता है, ठीक है। और अब जैसा आप वापस से इस क्लास में आओगे ट्यूबलाइट ऑन कमांड में, तो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर में ये रेफरेंस पास कराया हुआ है ट्यूबलाइट का, तो आप जो भी रेफरेंस पास करोगे ये उस ट्यूबलाइट को ऑन और ऑफ कर देगा, क्योंकि ये ट्यूबलाइट क्लास के पास मेथड क्या है, स्विच ऑन कमांड, जो कि यहाँ पे बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं ये स्विच ऑन कमांड, ठीक है। इसी तरीके से मैंने एक और कमांड क्लास बनाई है विच इज ट्यूबलाइट ऑफ कमांड, वो भी इम्प्लीमेंट किसको करती है, अपने ऊपर कमांड इंटरफेस को, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम तरीके से मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, उसमें ट्यूबलाइट का रेफरेंस पास किया हुआ है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने इसको असाइन कर दिया है, ये मुझे क्लास वेरिएबल था उसमें रेफरेंस मैंने पास कर दिया है, और यहाँ पर इस मेथड में सेम कोडेड ट्यूबलाइट, लेकिन यहाँ पे स्विच ऑफ, क्योंकि ये कमांड क्या है, ट्यूबलाइट ऑफ कमांड, इसलिए मैंने स्विच ऑफ मेथड को कॉल किया है ट्यूबलाइट क्लास के इस वाले मेथड को, ठीक है। तो ये तो हो गया कि हमारी जो कमांड की बात हो गई और हमारे जो एग्जीक्यूशन करने वाला है उस क्लास की बात हो गई। अब बात करते हैं कंट्रोलर की, कंट्रोलर कहाँ है। देखिए कंट्रोलर के लिए आप यहाँ पे देखोगे, अगर ये मैंने एक क्लास बनाई हुई है रिमोट कंट्रोलर, क्योंकि मैंने एक एग्जांपल लिया है कि सिर्फ एक रिमोट के थ्रू ही मैं ये उन कमांड को एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। फॉर नाउ आप एज्यूम कर लीजिए एक रिमोट है जिसपे सिर्फ दो बटन है, एक ऑन बटन और एक ऑफ बटन। ऑन बटन से आप ट्यूबलाइट को ऑन करते हैं, ऑफ बटन से आप ट्यूबलाइट को ऑफ करते हैं, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे कमांड जो इंटरफेस था वो मैंने क्लास वेरिएबल ले लिया है यहाँ पे। अब मैंने, आप देखोगे यहाँ पे इस जगह पर रिमोट कंट्रोलर का क्या किया हुआ है, ये जो कंस्ट्रक्टर है उसमें कमांड पास कराई है, ठीक है, और इस कमांड को असाइन कर दिया है वैल्यू के साथ। अभी ये जो सेट कमांड मेथड है इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका यूज़ क्या है, अभी के लिए इसको छोड़ दीजिए। अब आप इसमें एक ही बटन, इसमें जो रिमोट कंट्रोलर है उसमें सिर्फ एक ही मेथड, विच इज़ प्रेस बटन। देखिए रिमोट कंट्रोलर में आप कुछ प्रेस कर, सिर्फ बटन को प्रेस ही कर सकते हो और तो कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए सिर्फ मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया विच इज़ प्रेस बटन। लेकिन उस बटन के प्रेस पे होगा क्या, वो कौन डिसाइड करेगा, वेल वो डिसाइड करेगा कि आपने क्या कमांड पास की है। तो बेस्ड ऑन द कमांड ऑब्जेक्ट हम उसके एग्जीक्यूट मेथड को कॉल करेंगे, और जैसा कि मैंने बताया था एग्जीक्यूट अलग अलग कमांड अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट करती है। इसने क्या किया, स्विच ऑन को इंप्लीमेंट किया, इसने स्विच ऑफ को किया है, तो अलग अलग एग्जीक्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट हो गया इसको मैं बोलता हूँ रिमोट कंट्रोलर। अब आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे विच इज इन्वोकर। देखिए हमारा यहाँ पे जो मेन मेथड है वो इन्वोकर की तरह काम करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले जो हमारा एग्जीक्यूशन है, मतलब जिस चीज़ को हमें ऑन करना है ऑफ करना है, जो भी मशीन है ना, उसका सबसे पहले हमने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। तो मैंने यहाँ पे ट्यूबलाइट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है सबसे पहले, ठीक है। अब उस ट्यूबलाइट को मुझे ऑन करना है कि ऑफ करना है, तो वो कमांड का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ट्यूबलाइट ऑन कमांड, यहाँ पे देखिए ये ट्यूबलाइट ऑन कमांड, न्यू ट्यूबलाइट ऑन कमांड। अब जैसे मुझे पता था जो ट्यूबलाइट ऑन कमांड है वो किस चीज़ का लेती है, कि क्योंकि कमांड अपने आप में कुछ नहीं जानती कि मुझे किस चीज़ को ऑन करना है ऑफ करना है, वो सिर्फ ये पता है कि मैं ऑन कमांड हूँ मैं ऑफ कमांड हूँ, लेकिन किस मशीन को या फिर किस डिवाइस को मुझे बंद चालू करना है वो कुछ भी नहीं पता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें ट्यूबलाइट के को ऑब्जेक्ट को पास कर देते हैं। यहाँ पे मैंने ट्यूबलाइट को पास किया कंस्ट्रक्टर में। अब मैंने बनाया रिमोट कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप देखिए रिमोट कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनाया है, और इसके कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या पास किया है, कमांड, क्योंकि रिमोट कंट्रोलर को ये नहीं पता कि मेरे प्रेस, जब बटन को प्रेस करेंगे तो उस पर करना क्या है। आप किस तरह की कमांड पास कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह का एग्जीक्यूशन होने वाला है, किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे रिमोट कंट्रोलर पर सिर्फ एक ही मेथड था विच इज प्रेस बटन। तो ये जो प्रेस बटन है उस प्रेस बटन को वो दबाएगा। और अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ट्यूबलाइट ऑन कमांड। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने प्रेस बटन को कॉल किया और कंस्ट्रक्टर में ट्यूबलाइट ऑन कमांड को पास किया है, तो इसमें कमांड ऑन आ जाएगा, ट्यूबलाइट ऑन कमांड और कमांड डॉट एग्जीक्यूट। तो ट्यूबलाइट ऑन कमांड की जो अपनी क्लास थी यहाँ पर ट्यूबलाइट ऑन कमांड, इसमें आएगा कंट्रोल और इस एग्जीक्यूट मेथड को ये क्या करेगा, कॉल करेगा जो स्विच प्रेस है, है ना। और वैसे ही कहते क्या, स्विच ऑन हो जाएगा, बटन प्रेस होगा और ये स्विच ऑन मेथड कॉल हो जाएगा जो
इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, जो कौन इसको जानता है, वो है हमारी ट्यूबलाइट क्लास, जिसका हमें मेथड कॉल करना था। ठीक है, तो इस तरीके से ये हुआ। अब अगर मैं इसके आउटपुट की बात करूँगा तो आप यहाँ पे आउटपुट देखोगे ट्यूबलाइट ऑन, ये आउटपुट आएगा। ठीक है, पहले वाले कोड से ये वाला। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे मैंने दूसरा एक कोड और लिखा हुआ है, इसको समझते हैं। मैंने आपको बोला था कि कंट्रोलर में एक मेथड है विच इज़ कॉल्ड सेट कमांड, ये वाला है ना। ये सेट कमांड क्या करता है, देखिए जब भी आपको हर बार किसी नए कमांड को एग्जीक्यूट करना है तो कंट्रोलर का नया नया ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आपके पास एक रिमोट है, एक रिमोट में ऑन बटन है, ऑफ बटन के लिए आप दूसरा रिमोट नहीं होगा, उसी रिमोट को यूज़ करेंगे ना, तो उसका ऑब्जेक्ट तो एक ही होगा। तो अगर हमें जब इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन अब हमें उसमें कंट्रोलर जो है हमारा, उसमें हमें कमांड का ऑब्जेक्ट पास करना है, तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास कर सकते हैं। मैंने एक मेथड और बना लिया जिसके थ्रू मैंने क्या किया है, यहाँ पे रिमोट कंट्रोलर सेट कमांड, सेट कमांड ने मैंने अब क्या किया, टू लाइट ऑफ कमांड जो था उसका ऑब्जेक्ट बनाया और उसको पास किया है यहाँ पे। तो बेसिकली सेट कमांड का सिंपल सा ये यूज़ है कि हमें कंट्रोलर के और ऑब्जेक्ट ना बनाने पड़े, और जो भी कमांड है उस कमांड को हम पास करते हैं और उस स्पेसिफिक मेथड को हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सेम चीज़ें हमने रिमोट कंट्रोलर का प्रेस बटन कॉल किया, लेकिन इस वक्त कौन सा मेथड कॉल होगा, क्योंकि हमने टू लाइट ऑफ कमांड पास की है। टू लाइट ऑफ कमांड पास करने से कौन सा मेथड होगा, स्विच ऑफ वाला, ये वाला स्विच ऑफ वाला होगा, और स्विच ऑफ में क्या आएगा, टू लाइट ऑफ। अब यहाँ पे आप आउटपुट में देखोगे तो यहाँ पे आउटपुट भी वही आया है, टू लाइट ऑफ। ठीक है, तो ये तो होता है इन टोटल कमांड पैटर्न, किस तरीके से हम इसका ये क्लास डायग्राम कह लो और साफ साफ कह लो, सोर्स कोड भी है जिसे मैंने बताने की कोशिश की किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है। पर यहाँ पे बात ये आती है, ये जो टू लाइट ऑन कमांड था, ऑफ कमांड था, ये तो हम स्विच केस से या फिर इफ एंड एल से भी इम्प्लीमेंट कर सकते थे, इसके लिए मुझे कमांड पैटर्न इस तरीके से बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी। वेल, देखिए जैसा कि मैंने आपसे बोला था, आपकी डिज़ाइन ऐसी होनी चाहिए हमेशा, जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो या भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर रहे हो, तो हमेशा एक चीज़ को हमेशा दिमाग में रखिए, वो आपकी डिज़ाइन जो होती है ना, वो क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन होनी चाहिए पर ओपन फॉर एक्सटेंशन होनी चाहिए। अभी देखिए, आजकल स्मार्ट ट्यूबलाइट मार्केट में अवेलेबल है, हम सिर्फ एक रिमोट के बटन से उस टू लाइट की इंटेंसिटी, जो लाइट की इंटेंसिटी है, उसको डिम कर सकते हैं, अप कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे इसमें एक और बटन ऐड करना है, एक और कमांड ऐड करनी है, वो मुझे ऐसा करना है कि टू लाइट को डिम करने की कमांड बटन हो, जिसमें बटन दबाऊं तो टू लाइट डिम हो जाए, अगर वो डिम हो तो अप हो जाए, मतलब हाई रेंज में चली जाए, तो आपको इसके लिए सिंपल सा क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एक और क्लास बनानी होगी जो कमांड होगी, नहीं क्या, टू लाइट डिम कमांड, टू लाइट को डिम करेगा। ठीक है, सिंपल इतना होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। आपको जितनी कमांड ऐड करनी है आप उतनी क्लासेस बनाते जाइए और ऐड करते जाइए। आपकी जो डिज़ाइन है आप में, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप इफ़ और एल्स लगाते तो आप डिज़ाइन को क्या करते, मॉडिफाई करते। यहाँ पे सिर्फ इन्वोकर का कोड बदलेगा, ना तो रिमोट कंट्रोलर का कोड बदलेगा, क्योंकि रिमोट कंट्रोलर को आप जो ऑब्जेक्ट पास कर दोगे उसी का वो कमांड को एग्जीक्यूट कर देगा। तो एडवांटेज यही है यहाँ पे, अगर आप कमांड पैटर्न यूज़ करते हैं तो आप इफ़ और एल्स को काफ़ी रिड्यूस कर सकते हैं। जहाँ आपको ये नहीं पता कि आप कितनी ज़्यादा फ्यूचर में कमांड्स आने वाली हैं, तो आप कमांड पैटर्न को यूज़ कीजिए, ये बहुत अच्छा पैटर्न है और आपको बहुत सारी जगह पर देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है किसी भी पार्ट में, मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, मैं उसका आंसर जरूर करूँगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।